चलो 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 मोबाइल संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक तिवारी मास्टर राम सागर उपाध्याय जी सभी गौरव सिंह का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जयकारा हो जाए गौरव बेटा, ऐसे ही आप तरक्की करते रहो, अपने पिता का, अपनी माता का और साथ में हम लोगों का मान सम्मान देश विदेश में खूब बढ़ाते रहो। हमारी संस्था आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। बाबा जी कुछ वो सोचा बच्चे कुछ भी सोना चाहेंगे बोलो। हरा पावन महीने में अंतिम सोमवार श्री क्षेत्र कुंडेश्वर तीर्थ धाम के पावन आयोजन में महादेव की कृपा से आज आधार नारे सौभाग्य मिला। ये भाई श्रीकांत त्रिपाठी जी का आभारी आपने आमंत्रित किया और इतना सुंदर धर्म कार्य ये भंडारा आयोजन हो रहा है। मैं आपको मैं चाहता हूँ कि शिव जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, एक रहस्य बताना चाहता हूँ, एक भेद बताना चाहता हूँ। ध्यान ध्यान क्योंकि शिव जी स्वयं सबसे है कल्याणकारी देवता है, लेकिन जब जब महादेव यहाँ की मीमांसा विद्वानों ने अपने परिजनों ने संस्थों ने की तो अनेक अनेक रहस्य प्रकट हुए कि महादेव यहाँ क्यों इतने सारे देवता हैं। ये भी एक सामान्य देवता है उस अवसर और कई तरह से बताया गया कि महादेव इसलिए भी है क्योंकि कंठ में सर सर हार है, गले में है, उसके साथ भी शीतल जाई गंगा मैया मस्तक में विराज रही है। उसके प्रतीक स्वरूप में कहा जाता है कि जो भी इस स्वरूप को धारण कर लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है, शिवन हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा भेद है, महादेव इसलिए कहलाते हैं शिव जी कि हरेक पंथ के देवताएं और उनकी पूजा होती है। और हम जानते हैं सनातन हिंदू धर्म में भी वैष्णव पंथ है, शैव पंथ है, नाथ संप्रदाय कई सारे संप्रदाय है और भी विश्व में कई सारे मत मतांतर है और सबसे अपने अपने इष्ट देव है। लेकिन शिवजी इसलिए महादेव हो जाते हैं कि किसी भी मत पंथ के लोग हो शिव जी की शरण में जरूर जाते हैं और जरूर उनको आशीर्वाद देते हैं जो जिस रिश्त में आपका उसको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए ये महादेव है। और मैं आते आते जब बदला बदला क्रॉस कर रहा था तो मैं आज महादेव के बारे में सोचते ही आ रहा था। एक और बड़ी बात है, मैंने देखा एक गेट बना हुआ था तो लिखा था नहीं गेट पर लिखा था प्रवेश द्वार वहां बनाते कि शिव भक्त स्वर्गीय श्री कौन समीर से प्रवेश द्वार। तो मैंने बोला ये भी शिव भक्त तो आप समझिए जाति धर्म पंथ उम्र वर्ग सब हिंदू वरदान देने वाले बिना भेदभाव के आशीर्वाद देने वाले श्री 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 का नाम महादेव है। इनके यहाँ जब लंकाधिपति रावण आते हैं तो वो भी इनकी उपासना करते हैं, कहते हैं कि जटा का भी गल गल प्रवाह गले गल गल मान
उनको भी आशीर्वाद मिल गया, उनके साथ भी चलती है। और जब मानस में गोस्वामी जी इनकी महिमा करते हैं शिव जी का, श्री राम नाम जी के मुख से, तो कलवर नमामि संसार निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं मध्ये स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं मरीहं चिदाकाशवासं भजे हम। इतना ही नहीं, महादेव जी श्री भी कल आते हैं कि लंकाधिपति राक्षस राज रावण भी आए, आशीर्वाद ले जाओ। तो आप चाहे लाग पाप किए हो, लाग भूल चुक हुई हो, लाग लालच और घृणा के कार्य आपसे हुए हुए, महादेव के दरबार में सबसे मन से आ जाए तो आशीर्वाद लेके ही जाओ। कि संत शिरोमणि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं महादेव के बारे में, तो ज्ञानियों के लिए विश्व के सारे ज्ञानियों की आंखें खुल जाती है। आप मेरे अंग मत पंथ के लोगों को मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म को आप ये बाहरी रूप से ही मत तोलो, इसकी गहराई में जाना है तो कभी आदि गुरु शंकराचार्य विरचित निर्वाण सत्संग को पढ़ो और उसका अर्थ भी गूगल करके देख लो, हिंदी में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और जब वो कहते हैं कि शिव जी कौन है, तो शिव जी कहते हैं सदा में समत्वम न मृत्यु न बंध चिदानंद रूप शिवोहम। भोजन चल रहा है लेकिन वो कहते अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, है ना। आप देखें तो पता चलेगा, इसीलिए शिव जी सिर्फ एक सामान्य देवता नहीं है, वे महादेव हैं। कृष्ण जी गीता में समझाते हैं ना अर्जुन को, यही बात समझाते हैं कि ये यथा मान प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, हम जो मुझे जिस रूप में पूजता है उसको उसी रूप में मैं कल्याण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम महादेव है। बोलो अंत में मेरी आगे इच्छा है, आया हूँ तो भाई सुरकांत त्रिपाठी जी बरसों से मुझे बुला रहे थे, मैं आ नहीं पा रहा था, महादेव की योजना में मैं आया हूँ। आशीर्वाद स्वरूप धर्म कार्य में महादेव के कार्य में बढ़ते चले जाएं। मैं जानता हूँ ये के साथ ही हैं और इनको प्रभु और बढ़ाते रहें, जोरदार ताली से आप सभी आशीर्वाद दें। और मैं चलिए अब आप सबके बीच में एक बढ़िया झांकी राधा कृष्ण जी की प्रस्तुति होगी। प्रतिभा भाभी आपके लिए जो मंडल की संस्थापिका है संगीता त्रिपाठी आपको पूछ रही है और आप पीछे बैठी हो, वो बुला रहे हैं आपको आगे, कृपया आगे आ जाए। ध्रुव जी जी का आइए बाहर अपनी टीम के साथ। भोजपुरिया श्रोता समाज के प्रणाम करत रही, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के भांग पीछे के कहिए डलावा डलावा तो कैसे जमादनी सुनी सब भाई इससे ज़्यादा हो जाता है।
अच्छा वर्णन नारायण पंकज भैया कहले वाला ने गिल के संगीत देने वाले आशीष भैया साथ ही गई वाली चांदनी सिंह जी और रघुवर भैया के सही प्यार दुलार बनल हो जाए हो प्रचार सेवा मंडल अंबरनाथ पश्चिम नाला सुपारा से आए हुए हमारे भजन गाए बहुत ही सुरेले श्री सुबोधानंद जी का स्वागत करता है। श्री बिजू जायसवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं संस्था के पदाधिकारियों श्री हरिंद कुमार कृपया श्री चालीसा और राम नामी की भूमिका देकर उनका सत्कार करें यही रखा है। म्यूजिशियन हमारे कहा चले गए यार, मैं तो देखा ही नहीं उनको। म्यूजिशियन मैडम आ गए भाई, म्यूजिशियन कहीं नहीं गए थे भाई, सब हैं। आप चलिए स्टेज पर चलिए, आपके हम आओगे आइए। जा 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 जा। क्या बहुत दिन बाद पुनः एक बार हमारे सरकार ने दिया क्या संसार कुछ गुजरात हमारे बड़े भाई भाई राकेश तिवारी जी जी सब कुछ गाएगा।
लेकिन जो देवों के देव है वो महादेव है, तो आज आप सब एक प्रभु की कृपा लेके जाए, आपके जीवन में ईश्वर खूब समृद्धियों का आगमन करें। जय 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 जय।
दो लाइन के लिए आप सभी बहनों के साथ साथ गाएंगे इस माहौल को। वैसे तो हम सब सब भक्ति माहौल में बैठे हैं, लेकिन आप सबकी मनोस्थिति के लिए ये बड़ा जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ साथ गुनगुनाएं। एक बार मैं बोलूंगा उसे आप सब याद करिएगा और मेरे साथ साथ दोहराइएगा। सारे लोग जितने यहाँ पे उपस्थित हैं भैया सभी लोग, हाँ हाँ, कि कहती है पत्तियां हरी हरी। ये सावन का महीना, बारिश की झिमझिम फुहार और ये हरी हरी पत्तियां आप सबसे चीख 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 कर रही, छाती पीट पीट के कर रही है कि भगवान महादेव के दरबार में आप सब बैठे हैं और ये सारी पत्तियां भगवान राम नाम से के हर 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 मधुबन से देख 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 सारे पशु पंछी और पेड़ पौधों से पूछो क्योंकि उन्हें वो उनकी भाषा को जान जाए। तो आप भी ये जो हवा चल रही है पत्तियां आपसे बार बार मुंह मुंह कर रही है, क्या कह रही है इसके माध्यम से ये हरी हरी पत्तियां कि कहती हैं पत्तियां हरी हरी। ये हरी हरी पत्तियां कह रही है कि जब फूले रे मन में हरी हरी We'll be right back.
आशीर्वाद सदैव हम कलाकारों के साथ में है। मेरी तबीयत अस्वस्थ है, मैं गाने के एकदम फिर भी महादेव की कृपा। मुन्ना भैया मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय गुरु जी पीछे बैठे हुए हैं, इनके सानिध्य में हम लोगों का जीवन है। संतोष त्रिपाठी कृपया स्टेज पे आइए। संतोष त्रिपाठी कहाँ गए? साउंड हमारे पहले बहुत भरोसों से जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा कि अभी आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। सुनिए आपके बीच में राकेश तिवारी जरूर। अरे बंद हो गई जय है जब सगरी दुआरिया, बंद हो गई जय है जब सगरी दुआरिया, ताली बजा के आई जय है।
कुंडेश्वर धाम के बाजे 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 बा
महादेव नगरी में हम गा रहे बानी।
इन बच्चों के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और इनके प्रणाम करिए आप लोग, क्योंकि आशीष के रूप में पार्वती के रूप में आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं। दोनों हाथ हाथ आगे करके कि बम 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 हो I'm
आप सभी यहाँ आए, इसके लिए हमारी पूरी संस्था आपकी बहुत बहुत आभारी है। अपना कीमती समय निकाला आप लोगों ने। रमेंद्र ने खड़ा है एक मुझे वहां से रामचरित मानस दीजिए। स्वामी भैया, संतोष भैया के आप पहुंचा जाइए। और हमारे सत समाज सदमार्गीय अखाड़ा के स्वामी श्री स्वर्गारी जी महाराज जी का श्री रामचरित मानस ग्रंथ लेकर स्वागत कीजिए। इस अखाड़े से मैं भी जुड़ा हूँ और आप सभी से निवेदन करूँगा कि सत समाज सदमार्गीय अखाड़ा से आप लोग जुड़िए। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं बाबा जी के द्वारा। एक बार आप सब तालियों से स्वागत कर दीजिए। स्वर्ग महाराज जी के धाम में बिगर के कई महीनों से यह रचना चल रही थी। श्रावण महीने में संकल्प था भाई हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का बाबा के धाम में अखंड श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया जाए और आप सभी के सहयोग से आज भगवान श्री कोणेश्वर भोलेनाथ के धाम में संपन्न हो रहा है। बाबा भोलेनाथ ऐसे ही सभी श्रद्धालुओं के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, धन धान्य से सभी को परिपूर्ण रखे, ताकि आने वाला दिन हर दिन आप सभी का सहयोग ऐसे दूसरे के लिए प्रदान होते रहे और ऐसे ही अनवरत कार्यक्रम बाबा भोलेनाथ के धाम में चलता रहे। ज्यादा न कहते हुए समय कम है, हमारे
पड़ोसी भी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आज यहाँ आने में पहली बार आया परसों था, जबकि पास में रखे भी नहीं आ पाया। सूर्यकांत भाई यहाँ आने के बाद एक चीज का अनुभव हुआ, हम प्रयागराज उस क्षेत्र से हैं जो माँ गंगा ने हमें यहाँ पे भेजा है, उस अविरल पावन तीर्थ स्थान पे आज हमें पुनः दर्शन करने को प्राप्त हुआ। यह आपकी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा। एक बार जयकारा बोलेंगे, सभी लोग हाथ उठाएंगे, यह जयकारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का गाना जी बोलिए। पुलिस इंस्पेक्टर श्री भोई साहब से उपस्थित हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा भोई साहब से कि कृपया स्टेज पर आ जाइए। आप सभी के बीच में बीपी सिंह जी कुछ घोषणा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिएगा, ध्यान पूर्वक। बोलो मैहर वाली माई की, विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी मैहर यात्रा का प्रोग्राम बना हुआ है। बीच में दो साल कोरोना की वजह से गायब था, इसलिए मैं एक अहम घोषणा करने जा रहा हूं। जय बाबा भोलेनाथ। परम हर्ष एवं उल्लास से अवगत हो रहा है, माँ मैहर धाम की यात्रा का कार्यक्रम माता जी की असीम अनुकंपा पूर्णता बन गया है। चलो मैहर यात्रा, माता ने बुलाया। यात्रा का शुभारंभ दिनांक 11/11/22 वार शुक्रवार को होगा। दिनांक 12/11/22 को सायंकाल पहुंचना है। दिनांक 13/11/22 को प्रातः 5 बजे से रामायण पाठ का आरंभ होगा एवं 14/11/22 को हवन एवं भंडारा होगा। 14 तारीख की रात्रि को ही माता की चौकी एवं जागरण होगा। तत्पश्चात उसके दूसरे दिन हम लोग अपने अपने गंतव्य के लिए निकलेंगे। कृपया आप लोग अभी से जितना हो सके अपने साथी मित्र रिश्तेदारों को अवगत कराइए और पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी माता के कार्यक्रम में शामिल होइए। बोलो वंदे माता की। धन्यवाद बीपी भाई। ये जो यात्रा होगी ये जय महाकाल मानस विकास मंडल नई मुंबई वासी के तत्वाधान में होगी और सूर्यकांत त्रिपाठी उस संस्था के भी संस्थापक हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुरेंद्र सरगम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया स्टेज पर आ जाए। सुरेंद्र सरगम, और आप लोगों को बढ़िया बढ़िया मराठी गीत भी सुनाएंगे, हिंदी भी सुना देंगे। अब मैं स्टेज उसके हवाले कर रहा हूँ, जैसे वो साथी हमारे जो यहाँ के पुलिस प्रशासन के सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, होमगार्ड्स हैं, उन सभी का भी स्टेज पर स्वागत होगा। कृपया आप लोग शांति बनाए रखिए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सरगम। हर 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 देवदत्त महाराज जी लगता भी अभी कि भंडारा लगता मेला में नहीं। आज कोरोना काल से बचे हुए सभी लोग मिलके एक बार अपने अंदर की शक्ति से देखा हूँ दोनों जो जो दोनों हाथों को पकड़ के जयकारा करेंगे। यहाँ पर Thank you.
पुण्डेश्वर देवस्थान की तरफ से भी और हमारे संस्था की तरफ से भी भोई साहब का इतना अच्छा योगदान हुआ कि नाका बंदी लेके परमिशन से है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वहाँ पर हमारे परमिशन सताया भोई साहब का उन्हें छोड़ने की परमिशन से है। और जब हम लोगों ने बताया भोई साहब का उन्हें एक विशेष अवसर है भोई साहब साहब बिल्कुल उसके बारे में बात बात करते हैं परमिशन से हमारे सारे शास्त्र और भोई साहब का स्वागत सभी लोग स्वागत माता संस्कृत ठाकुर साहब संतोष भाई मुझे हाल ही में पंडित जी ने बताया कि हम पिछले 21 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और जो कोई भावी यहाँ पे कोंडेश्वर महाराज के मंदिर पे सच्चे दिल से आता है उनकी तमन्ना बिल्कुल पूरी होती है। पुलिस प्रशासन की वजह से हम पूरा सहयोग करते हैं। ये अच्छी बात है कि जो कोई भाविक आते हैं उनका यहाँ पे कोई चोरी होना लूटपाट होना या कुछ मारामारी होना ये वाकियात बहुत ही कम होते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम बंद था। अभी भी कोंडेश्वर तथा अन्य पर्यटन क्षेत्र बंद है, लेकिन स्पेशल ड्यूटी की वजह से और ये जो कि धार्मिक कार्यक्रम है इसको स्पेशल अनुमोदन किया गया और यहाँ पे परमिशन दी गई है। परमिशन देते वक्त पंडित जी से हमने कहा था कि आपके सहयोगी आपके स्वयं सेवक पार्किंग के लिए और अन्य बंदोबस्त के लिए हमें अवेलेबल चाहिए और उन्हीं की तादाद में हमारे पुलिस कॉन्स्टेबल्स होमगार्ड हमने यहाँ पे कल नियोजित किए थे। आज की तुलना से कल बहुत ज़्यादा भीड़ की थी, हमने पेट्रोलिंग किया, हमारा स्टाफ आया था, हमारे एक साथी आए थे। कल बहुत पार्किंग की थोड़ी समस्या छोड़ कोई भी समस्या नहीं हुई, इसलिए भोग लगाओगे सब आयोजक कमेटी का और कोंडेश्वर विश्व संस्थान का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपका यह कार्यक्रम हमेशा अच्छी तरह से चलता रहे ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सभी का स्वागत करेंगे रामनामी पट्टा और शिव चालीसा देकर उधर देख के फोटो खिंचाओ बेटा पहला मैडम मैडम एक सीधी आप ये बच्चे जिन रात संस्था के लिए मेहनत कर रहे हैं जाग रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए अपने धर्म के लिए और मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जागिए सिर्फ वीडियो के मोबाइल पे में जुटे रहिए
और भी चीजें हैं उन पर ध्यान दीजिए। सभी माता पिताओं से निवेदन करूंगा कि बच्चों को धर्म के प्रति जागृत कीजिए। एक बार जयकारा लगेगा और मैं सुरेंद्र संगम को माइक सौंपूंगा। लेकिन आपको जाना नहीं है क्योंकि धन्यवाद मातृसाहब ने एकदम हम लोगों को पूरा इतना परमिशन दिया कि आप लोग कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक कोई बाधा नहीं आएगी और कोई रोक टोक कोई बाधा नहीं आएगी। हमने सर सर यह देखा था यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगा। और भरत जसवाल से मेरी अनुरोध है कि ये पास सत्तर का ध्यान है भरत जसवाल भाई के। सुबह पांच बजे और हमारे टीम कहाँ है यार? बार बार तो चलिए अभी आप जैसे परवाह जो हम सभी कलाकार मिलके पूरा पूरा बहुत बहुत बधाई दी जाए बहुत बहुत बधाई दी जाए। तो आइए माँ सार सार के दरबार बार बार चलने के लिए जो अभी आपको लग रहे हैं मैं चाहूंगा आपको आपसे ऐसे हो अपने भैया को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए हर लड़की चाचा के हमारा अच्छा परिवार गा ले, हमारा अच्छा घर गा ले, हमारे सास सास से अच्छा, हमारे ससुर से अच्छे अच्छे हैं, हर घर में तमन्ना रखा है यदि ऐसे तरह की लड़की जो हर घर माँ के वंदना के दरबार में माँ सहरसा में परिवार में रहती है। चलिए आदेश में बारे में अति बिगड़ आए हुए और बहुत सारा लगा।
आप सभी महानुभावों का हमारे कार्यक्रम का जन्मदिन स्वागत है। तो आइए आइए आते हैं। तो मैया जांच बस मेरी
श्री रामचंद्र और जो लड़की कहती है कि राजा जैसा राजा जैसा जैसा अरे सस्ता सस्ती को बनाने अरे राम जी जैसा सस्ता कि राजा जैसा राजा जैसा जैसा बनाना और राम जी फिर कब बना बना दिया Oh,
सभी जिले का मुख्यमंत्री की ओर से दोस्तों सभी को दर्शन और कहते हैं हमारे बीच बीच में हमारे Thank you.